इन्होंने हाई बीम कर रखी है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 33% एक्सीडेंट्स रात को हाई बीम के मिसयूज से होते हैं। इनफैक्ट मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत हाई बीम के मिसयूज पे जुर्माना भी है, पर आप और हम तो जानते ही हैं कि इसका एनफोर्समेंट कहाँ होता है। थैंकफुली कारमेकर्स ने हमारी दुर्दशा समझी और बनाया ऑटो डिमिंग मिरर्स। ऑटो डिमिंग या इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर्स ग्लेयर डिटेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली डिम हो जाता है। ड्राइव करते समय आपकी आंखों पे कुछ देर के लिए सही जब ब्राइट लाइट पड़ती है तो होता है फ्लैश ब्लाइंडनेस। अब लाइट तो बंद हो जाती है बट रह जाता है ब्लाइंड स्पॉट। इसे कहते हैं ट्रॉक्सलर इफेक्ट। ट्रॉक्सलर इफेक्ट से आपका रिएक्शन टाइम 1.4 सेकंड से कम हो जाता है। ऑटो डिमिंग मिरर्स इसी ट्रॉक्सलर इफेक्ट को इलेक्ट्रोक्रोमिज्म से काउंटर करता है। पर कैसे? मिरर की बॉडी बनती है एक मिरर और ग्लास के सैंडविच से, जिसके बीच में होता है एक इलेक्ट्रोक्रोमिक जेल। एक फोटोडायोड सेंसर माइक्रोप्रोसेसर में आती हुई लाइट के बारे में बताता है, जो इस जेल में चार्ज भेजता है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जेल और मिरर दोनों डार्क हो जाता है। इंडिया में ऑटो डिमिंग IRVM होंडा ह्यूंडई मारुति जैसी गाड़ियों में थैंकफुली अवेलेबल है। क्या आपकी गाड़ी में ऑटो डिमिंग IRVM है? कमेंट्स में। और ऐसे और ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।